हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 8 मैथमेटिक्स, लेसन नंबर 12, इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, प्रैक्टिस सेट 12.1 पार्ट 2। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के पहले पार्ट 1 जरूर देखिए। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के हाफ सम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हाफ पार्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ही लिख लेते हैं, एक्स माइनस 3, यहाँ पे 3, एक्स प्लस 2, जैसा हमको क्वेश्चन दिया वैसे लिख लेते हैं। अब क्या करो, 5 में एक्स का मल्टीप्लाई करो और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करो और 3 में x का करो और 3 में 2 का करो। मीन्स इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5x माइनस 5 3 15 और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 6। तो हम लोग क्या करते, देखो यहाँ पे माइनस 15 है, माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे लिखोगे एडिंग 15 टू बोथ द साइड, 5x माइनस 15 इक्वल टू 3x प्लस 6। अब क्या करना है, इसमें प्लस 15 करना है और इसमें भी प्लस 15 करना है। तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 5x इक्वल टू 3x, ये बचा 6 प्लस 15 प्लस 21। ये क्या है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 3x जो प्लस हो रहा है वही सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम बोथ द साइड। अब हम लोग इक्वेशन ही वैसे लिख लेते हैं, 5x इक्वल टू 3x प्लस 21। अब क्या करना है, दोनों में 3x माइनस करना है, माइनस 3x माइनस 3x, तो ये 3x है, ये 3x कैंसल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 3x 2x और यहाँ पे आया 21। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ पे लिखोगे Dividing by 2 both the side। अब इसको डिवाइड करना है हमको, यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले इक्वेशन लिख लो, 2x इक्वल टू 21 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये तो वैसे कैसे रहेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 21/2। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे 9x, सबसे पहले लिख लेते हैं, 9x/8 प्लस 1 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 का अपोजिट क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड। तो इक्वेशन वैसे एक वैसे लिख लो, 9x/8 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो अभी हमको क्या करना है, माइनस 1 एंड माइनस 1, ये 1 से ये 1 कैंसल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 9x/8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, अभी डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 8 बोथ द साइड, दोनों साइड में हमको 8 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 9x/8 इक्वल टू 9, इसमें क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 9x/72। 9 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लिखोगे डिवाइडिंग बाय 9
बोथ द साइड। तो क्या दिया गया है हमको, इक्वेशन है 9x इक्वल टू 72, इसको 9 से डिवाइड कर दो दोनों को, ये 9 से ये 9 कैंसिल, ये 9 एट जा 72। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, y बाय 7 प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो ये हमको इक्वेशन क्लियरली नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो क्या करो, देखो यहाँ पे ये क्या है, 7 है, ये 3 है, तो 7 एंड 3 का एलसीएम कितना होता है, 21 होता है, मल्टीप्लाइंग बाय 21 बोथ द साइड। तो y प्लस 7 प्लस y माइनस 4 बाय 3 इक्वल टू 2 है, इसको क्या करो 21 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करो। ये 7 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम में और ये कैंसिल हुआ 7 टाइम में। तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा y में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस, अब y माइनस 4 में मल्टीप्लाई किसका करना है, 7 का करना है, इक्वल टू ये 42 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 7 में y का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 7y माइनस 7 फोर जा 28, मीन 7 का मल्टीप्लाई y में किया एंड 7 का मल्टीप्लाई 4 में किया इक्वल टू 42। तो यहाँ पे देखो ये तो प्लस हो जाएगा 3 एंड 7 10 y माइनस 28 इक्वल टू 48। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 28 है, माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस, मीन्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 28 टू बोथ द साइड। तो पहले बोथ साइड लिख लो, 10y माइनस 28 इक्वल टू 42। अब इसमें क्या करना है, 28 प्लस करना है और यहाँ पे भी 28 प्लस करना है। जब ये 28 प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग क्या आएगा, 10y इक्वल टू 70 हो जाएगा। ये देखो 42 प्लस 28 70, 10y इक्वल टू 70। तो अब यहाँ पे देखो 10 से y में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करो डिवाइड, डिवाइडिंग बाय 10 बोथ द साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y इक्वल टू 70, वैसे के वैसे लिख लो और 10 से इसको क्या करो डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ 7 टाइम में, सो दैट y की वैल्यू आ गई 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे 13x माइनस 5 इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 से, मीन्स डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ द साइड। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लो 13x माइनस 5, इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3/2 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 13x से, फिर से 2 का मल्टीप्लाई 5 से, तो हो जाएगा 26x, देखो 13 टू 26 माइनस 5 टू 10 इक्वल टू यहाँ पे आया 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये माइनस 10 हो रहा है, तो ये माइनस 10 का क्या करते हैं, माइनस का अपोजिट ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखो एडिंग 10 टू बोथ द साइड, मीन्स हमको दोनों साइड में 10 ऐड करना है। तो इक्वेशन क्या है, 26x माइनस 10 इक्वल टू 3, यहाँ पे 10 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 10 ऐड कर दिया। जब हम 10 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कैंसल, तो ये हो जाएगा 26x
और ये हो जाएगा 13। अब क्या करो, देखो यहां से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 26 बोथ द साइड। तो अगर हम लोग 26 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या जाएगा, 26 एक्स इक्वल टू 13 तो है ही है, 26 से डिवाइड कर दो। जब ये 26 से डिवाइड करोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वन टाइम ये टू टाइम, सो दैट एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 1/2। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करो, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और 10 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 3y प्लस 3 8 24 इक्वल टू 10y माइनस 40 प्लस 8। इसको वन टाइम और लिखते हैं, 3y प्लस 24 इक्वल टू 10y, देखो माइनस 40 प्लस 8 माइनस 32। अब क्या करो, या तो 24 का करो या तो प्लस 24 है तो इसको क्या कहते हैं, माइनस 24 करते हैं। तो यहां पे सब्ट्रैक्टिंग 24 फ्रॉम बोथ द साइड। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो, 3y प्लस 24 इक्वल टू 10y माइनस 32। 24 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी 24 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3y, यहाँ पे 10y, और ये क्या है, देखो माइनस 32 और माइनस 24 तो माइनस 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 होता है, और इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 56। देखो यहाँ पे 10y के आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है, इसका मतलब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्टिंग 10y फ्रॉम बोथ द साइड। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3y इक्वल टू 10y माइनस 56, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 10y माइनस करते हैं और यहाँ पे भी 10y माइनस करते हैं, तो 10y से 10y तो ये कैंसिल हो गया। अब 3y माइनस 10y कितना होता है, माइनस 7y होगा, और ये माइनस 56। अब देखो माइनस 7 से y में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय माइनस 7 बोथ द साइड। तो हम लोग दोनों साइड लिख लेते हैं। पहले क्या दिया गया है हमको, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 56। डिवाइड किससे करना है, माइनस 7 से, इसको भी डिवाइड माइनस 7 से करना है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल होकर के 1 आया, और यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7 8 जा 56। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, वाई इक्वल टू 8। ये हमारा सोल्यूशन है। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इक्वेशन लाने के लिए क्या करोगे, 7 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस 9 में, और 5 की मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस 5 में, मीन्स इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7x माइनस 7 9 63, 5x माइनस 25। अब क्या करो, देखो यहाँ पे माइनस 63 है तो इसको प्लस 63 कर दो, मीन्स एडिंग 63 टू बोथ द साइड। तो सबसे पहले लिख लेते 7x माइनस 63 इक्वल टू 5x माइनस 25, यहाँ पे भी 63 कर दो प्लस, यहाँ पे भी 63 कर दो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 7x इक्वल टू 5x। अभी हम देखो 63 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 38। अब यहाँ पे ये 5x से प्लस हो रहा है तो यहाँ पे लिख दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, अपोजिट उसका वही होता है, सब्ट्रैक्टिंग 5x
from both the side. तो इक्वेशन लिखो 7x इक्वल टू 5x प्लस 38, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस 5x और ये भी आ जाएगा माइनस 5x, तो 7x माइनस 5x कितना होता है 2x हो जाता है और ये 5x से ये 5x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 माइनस यहाँ पे आया 38। तो देखो 2 से x में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड, तो लिखो 2x इक्वल टू 38, तो डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 19, सो दैट हमारा आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 19। इसी तरीके से करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, 3 से डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ द साइड, तो हम लोग जो दिया गया वही लिख लेते हैं, y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y इक्वल टू 4, सब में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा y माइनस 4 प्लस 3y में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 9y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो ये y और ये 9y, तो ये जाएगा 10y माइनस 4 इक्वल टू 12, तो ये देखो यहाँ पे माइनस 4 हो रहा है तो माइनस का अपोजिट क्या होता है एड, तो यहाँ पे लिखोगे एडिंग 4 टू बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10y माइनस 4 इक्वल टू 12 प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस 4 होगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 10y इक्वल टू आ गया हमारा 16। अब क्या 10 से y में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग बाय 10 बोथ द साइड, तो 10y इक्वल टू 16 है तो ये 10 से डिवाइड कर दो और ये भी 10 से डिवाइड कर दो, ये 10 से ये 10 कैंसल हो गया, ये कैंसल होगा क्या 2 के टेबल से, 2 एट जा 16, 2 फाइव जा 10, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 8/5। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो ये क्या दिया गया है, ये डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ द साइड, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं बी बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 2 बाय 4 इक्वल टू 21। अब हमको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा बी प्लस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 2, देखो सबका हमने ब्रैकेट हटा दिया और यहाँ पे 21 4 जा 84। अब क्या करो ये बी 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 मीन्स 3b प्लस 1 एंड 2, 1 एंड 2 कितना होता है 3, ये आ गया 84। अब यहाँ पे देखो ये प्लस 3 है तो हमको इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस 3 करना पड़ेगा, तो माइनस के लिए क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारा 3b प्लस 3 इक्वल टू 84, माइनस 3 कर दिया सब्ट्रैक्ट और माइनस 3 कर दिया इससे ये कैंसिल हो गया, ये आया हमारा 3b इक्वल टू
81। अभी आप देखो 3p से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग बाय 3 बोथ द साइड। 3b इक्वल टू 81 तो है ही है, 3 से डिवाइड कर दो तो ये इससे कैंसल हो गया, तो ये इससे कैंसल होने पे 27 आएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 27। सो दोस्तों ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था।